हेलो एवरीवन, आज पार्ट 18 जिसमें इंजीनियर ड्राइंग के कुछ प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रेफर्ड ट्रिम साइज ऑफ अ A0 ड्राइंग सीट रिकमेंडेड बाय BIS? BIS के अनुसार A0 ड्राइंग सीट का आकार क्या है? A0 ड्राइंग सीट का आकार होता है 841 × 1189। बाकी सब इन ड्राइंग सीट के आकार हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ड्राइंग शीट के साइज़ को याद करने के लिए आपको किसी भी एक ड्राइंग शीट के आकार को याद करना होगा। ड्राइंग शीट साइज़ पर हमने वीडियो डाला हुआ है, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें। तो क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए। अगला पर्सन है, व्हाट इज़ द प्रेफर्ड ट्रिम साइज ऑफ अ A3 ड्राइंग शीट रिकमेंडेड बाई BIS? BIS के अनुसार A3 ड्राइंग शीट का आकार क्या है? ये क्वेश्चन सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है। तो A3 ड्राइंग शीट का आकार होता है हमारे पास 297 × 420। बाकी सब इन ड्राइंग शीट के आकार हैं जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले पर्सन पर। अगला पर्सन है, हाउ आर सक्सेसिव फॉर्मेट साइज फ्रॉम A0 to A5 आर ऑब्टेन्ड? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि हमें A0 से A5 तक के ड्राइंग शीट का आकार प्राप्त करना है तो हम किस प्रकार करते हैं। तो इसके लिए मैं A0 ड्राइंग शीट के आकार की लंबाई होगी जो, उसको आधा करना होगा तो हमें A1 ड्राइंग शीट का आकार प्राप्त होता है। कि हमें A2 साइज निकालना है, A1 ड्राइंग शीट की लंबाई को आधा करना होगा। तो इस प्रकार से हम A0 से A1, A2, A3, A4, A5 के साइज इजीली निकाल सकते हैं। तो देखते हैं ऐसा किस ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन फर्स्ट, हैविंग अलोंग द लेंथ, लंबाई के साथ आधा करना। तो इस क्वेश्चन का एक राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए। अगला पर्सन है, विच शीट साइज आर रिकमेंडेड फ्रॉम बॉर्डर्स ऑफ 20 mm विड्थ? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यदि हमें ड्राइंग शीट पर 20 mm चौड़ाई का बॉर्डर बनाना है तो उसके लिए किस प्रकार की ड्राइंग शीट का साइज लेना होगा। तो इसके लिए हमें बड़ी से बड़ी ड्राइंग शीट का आकार लेना होगा, क्योंकि यदि हम छोटे ड्राइंग शीट का आकार लेते हैं जैसे A2, A3, A4, यदि इन ड्राइंग शीट पर हम 20 mm चौड़ाई का बॉर्डर बना लेते हैं तो हमारा बहुत चौड़ा हो जाएगा, तो ड्राइंग बनाने के लिए हमारे पास एरिया कम होगा। तो इसलिए हमें बड़ी से बड़ी ड्राइंग शीट का आकार लेना होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा हमारा A0 और A1। आज के सेशन का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ द साइज ऑफ द लेटर इज स्पेसिफाइड? अक्षर का आकार कैसे निर्दिष्ट किया जाता है, जो होता है हमारे हाइट के अकॉर्डिंग? यदि हमें अल्फ़ाबेट लेटर्स को लिखना है तो इसके हमारे कुछ स्टैंडर्ड होते हैं। लेटर्स को हम हाइट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो देखते हैं ऐसा किस ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन बी, हाइट। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी, हाइट। तो ये थे आज के सेशन के कुछ क्वेश्चन जो ड्राइंग शीट पर आधारित थे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए प्रश्नों के साथ।